सिमाई हरी नवे खाफो हम लोग नु पर ये देख सकते हैं दोस्तों काफी रसीले काफल और क्या जलसे ने तोड़ते हैं। एक बार आपको दिखाता हूं दोस्तों अच्छे से। तो ये है आलू का परोठा। आलू के परोठे, आलू के नहीं है, सिंपल परोठे, सिंपल परोठे है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं काफल लेने के लिए और हम सभी ने दोस्तों सुबह दो दो रोटी खा रखी है और अभी देख सकते हैं ताईजी लोग सब आए हुए हैं और सबके पास में दो दो तीन तीन बाल्टी है। जिसने चार चार खाई है उसको ज्यादा एनर्जी आएगी फिर। और दोस्तों ये देखिए ये मेरी बाल्टी है और ताईजी लोग ये देखो दोस्तों सब दो दो तीन तीन बाल्टी लेके आ रखे हैं और अभी हम जा रहे सीधे काफल तोड़ने के लिए। ताईजी आग कदो कदो काफल तोड़ लिया तुम सब। ये 2 किलो बाल्टी है सुबह, 3 किलो है पांडुनी नहीं मैं बोतल में भरडून पे जाकर। अच्छा हां और चार रोल दिए बोतल मांडी। हम तो रोल ले रहे हैं, हमको ताईजी तो समय ताईजी दे देंगे रोटी। हम नाश्ता कर ले चला तू। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधे काफल तोड़ने के लिए, लेट्स गो। दोस्तों ताईजी जो घू है उसका पराठे बना के ला रखे है वो भी जरूर चखेंगे हम दोस्तों। तो अभी चलते हैं सीधे आगे को। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर आ रखे हैं पानी भरने के लिए और ताईजी लोग भी पानी भर रहे हैं क्योंकि ऊपर काफ़ी पानी की प्यास लगती है। तो अभी हम यहाँ पर पानी पियेंगे और काफ़ी ठंडा ठंडा दोस्तों यहाँ पर का पानी होता है वो देख सकते हैं दोस्तों। उधर से पानी आ रहा है धारे में से और देख सकते हैं यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और इस पानी को दोस्तों हम पी सकते हैं क्योंकि हाँ और ऊपर पानी की बहुत परेशानी है। यहाँ क्या करें, गला सूख जाता है। अब यहाँ से भरते हो पानी, यहाँ का पानी शुद्ध दोस्तों यहाँ पर का पानी शुद्ध देख सकते हैं कहाँ से भर रही है ताईजी लोग। और अभी एक बार आपको नज़दीक जाके दिखाते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों ये ऊपर से आ रहा है और काफ़ी साफ पानी है दोस्तों, फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा पानी होता है। और इसमें दोस्तों काफ़ी जड़ी बूटी भी होते हैं इन पानी में क्योंकि ऊपर से आ रहे ऊपर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं। ये देख सकते हैं ताईजी इसमें भर रही है पानी, देखिए ये देखिए। अभी चलते हैं ऊपर की ओर। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं काफल लेने के लिए, आधी टीम आगे चली गई है और दोस्तों एक टीम जो है दोस्तों इस पहाड़ के उस साइड गई है और एक टीम इस साइड है। अगर दोस्तों इधर काफल ज़्यादा हुए होंगे तो हम कॉल करेंगे उनको कि इधर आ जाओ, अगर उधर काफल ज़्यादा हुएंगे तो हमें कॉल करेंगे तुम इधर आ जाओ करके। तो अभी दोस्तों बहुत ऊपर जाना है, देखो कितनी लंबी चढ़ाई है और मेरी सांस फूल गया है दोस्तों। अभी चलते हैं ऊपर को क्योंकि हमें जो है आगे वाले टीम के साथ जाने हैं, चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों अभी हम पानी पीने के लिए बैठे हैं और ताईजी लोग यहाँ पर रोटी भी खा रहे हैं, देखो परोठे हैं। ताईजी क्या परोठी हो? आलू परोठे निकले जी आ रही परोठे। और दोस्तों जिराजी की मम्मी एकदम लग हो चुकी है, देखो ताईजी क्या हो? जरूर सर। और बड़ी जरूर रे संजीव ताईजी ये परोठा दोस्तों देखो, ये है आलू का परोठा। आलू के परोठे, आलू के नहीं है, सिंपल परोठे, सिंपल परोठे है, घी के परोठे है, शुद्ध गाय के घी के परोठे है। तो दोस्तों आप भी जो है काफल खाने आओ, इतना आज देखो दोस्तों ये बाल्टी भर के लाएंगे हम काफल के लिए। देखो ऐसे बाल्टी लेके आ रखे काफल के लिए। तो आना उत्तराखंड और काफल खा के जाओ दोस्तों। दोस्तों बड़ी मुश्किलों से हमें जो है दोस्तों काफल मिल चुके हैं। ये देखिए दोस्तों काफ़ी लाल लाल काफल उड़ के और ये पूरा पेड़ जो है दोस्तों काफल से लूटी रखा है। और ये देखिए दोस्तों सामने वाले पेड़ में कितने सारे काफल है और नीचे से ताईजी जो है काफल तोड़ रही है और ताईजी काफल अभी चख रही है। ताईजी वो ताईजी काफों का शरीर मजरौन है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये देखो लाल लाल काफल दोस्तों, मुंह में पानी आ रहा है ना, ये देखिए दोस्तों पानी की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये देखो अभी पन्नी भी भरने हैं इससे फिर घर को भी ले जाने हैं। देखिए आइए दोस्तों आप भी काफल खाइए, ये देखिए दोस्तों कितने काले काले काफल हो रखे हैं ये देखिए। और नमक के साथ खाने में अलग ही मजा आता है दोस्तों इन्हें। जो काले काले और रसीले रसीले काफल मिल चुके हैं ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ऊपर को कितने सारे काफल और हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों मैं पन्नी लेके आ रखा हूँ, इन पन्नी में भरेंगे फिर इसी पन्नी से बाल्टी में खनाएंगे दोस्तों। तो अभी जल्द से जल्दी इन पन्नी में भरते हैं और बारिश आने वाला मौसम भी और है दोस्तों, फटाफट भरते हैं और आपको ये लेते हैं जल्द से जल्दी सिनेमैटिक।
दोस्तों ये देखिए कितने मोटे मोटे काफले एक बार ना ट्राई करते हैं। ये देखिए दोस्तों इतने मीठे काफल दोस्तों कभी खाए ही नहीं होंगे मैंने तो। बाल्टी भर सची में अद्धू घर ज्योति जी तुम्हें भरी ना संजी बाल्टी भरी ले जाना जला कर तू आगे आमे बोठो में मैं तो झूठ नहीं बोला मिलता वो पन्नी भरे ली बा तू जा मिली मैं जानू तेरी यार तुम आगे से आमे कहाँ जानू मैं तो आई जानू। ओ सिमाई हरी ना वे काबो हम लोग नू तो दोस्तों भी मैं इस पहले पेड़ से नीचे उतर चुका हूँ और ये देखिए दोस्तों पूरा पन्नी मैंने काफी जी भर दिया एकदम काले काले पन्नी। अब इनको दोस्तों इसमें खनाते हैं दोस्तों मैंने बाल्टी में ना आधे पेड़ भी भर दिए देखो ये अरे लाल लाल काफल ये देखो दोस्तों अब इसको इसमें खनाते हैं जल्दी से जल्दी फिर और चढ़ते हैं पेड़ में। ओ दोस्तों तो आधा भर गया है थोड़ी सी और चीज़ें देखो कितने काले काले काफल हो रखे हैं एक टेस्ट करके देखते हैं इतने मीठे काफल हो रखे हैं दोस्तों एक बार और जाना पड़ता है पेड़ में वो ऊपर जाना है दोस्तों बस एक बार और जाना है भर जाता है उसके बाद ये चलते हैं हम ऊपर। तो दोस्तों अभी हमने काफल से अपने अपने डब्बे भर दिए हैं ये देख सकते हैं ये मेरा डब्बा है ये गौरी का है ये ज्योति दी का है ये जीवदा दी का है ये राजा का है और गौरी ने जो है दोस्तों ये देख सकते हैं बोतल में भी भर रखा है। और दोस्तों ताईजी लोग जो है घर को जा चुके हैं और दोस्तों अगर आपको ये काफल खाने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना हाँ भैया मुझे काफल खाने हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म क्योंकि ऊपर से बारिश की बूंदें पड़ने लग गई है और अभी हम जा रहे हैं घर को। आज के ब्लॉग में बस इतना ही आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत जय देव भीम उत्तराखंड।